हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके लिए। अगर आप जो कि गाड़ी चलाते हो, जो कि आपका मतलब अभी तक लाइसेंस नहीं हुआ, तो इस वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा ऑनलाइन प्रोसेस से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके पहले जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए RTO ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे के अंदर आप जो कि ऑनलाइन अप्लाई करके अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप अपना हाथ में ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो लास्ट तक देखते रहे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी कि कैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मतलब कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या ऑनलाइन पे एग्ज़ाम कैसे लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे लिखना होता है, फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है, फी कितना चाहिए, पूरा डिटेल में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए आपको वीडियो तो लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में जो हम कंप्लीट नहीं कर सकते पूरा प्रोसेस, तो आपको सेकेंड पार्ट भी इस वीडियो का लाऊंगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके पहले मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताऊँगा लर्नर्स जो इशू होता है, एग्ज़ाम कैसे लिखना है लर्नर्स के लिए मतलब लाइसेंस के लिए, और लर्नर इशू होने के बाद आपको उसको कैसे डाउनलोड करना चाहिए और एग्ज़ाम कैसे लिखना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन जो कि मतलब पूछा जाएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम पे, तो पूरा एग्ज़ाम डिटेल्स जो कि एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में, लर्नर्स के बारे में सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के वीडियो में पार्ट वन में सिर्फ मैं आपको यही बताऊँगा कि अप्लाई कैसे करना पड़ता है ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले जो कि मैं जैसे पहले बोला कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन आप घर बैठे बैठे अपना लाइसेंस को आप बना सकते हो, वो भी 1 घंटे के अंदर आपका लाइसेंस जो कि आपका लर्नर लाइसेंस जो कि आपका हाथ में होगा। जी हाँ दोस्तों, तो पूरा प्रोसेस जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए मैं अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे ले जाती हूँ, वहाँ पर कैसे अप्लाई करना है आपको पूरा डिटेल में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये पार्ट वन है, इसमें जस्ट कैसे अप्लाई करना है यही बताऊँगा। सेकेंड पार्ट में आपको के एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा, उसके बाद जो कि कैसे डाउनलोड करना चाहिए उसके बारे में बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये अप्लाई प्रोसेस जो है ये थोड़ा लंबा होगा, पूरा वीडियो में एक पूरा जो कुछ मैटर है एक ही वीडियो में बोलोगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो कि सेकेंड पार्ट लाना पड़ेगा। तो आइए हम देखते स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन पे कैसे अप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखा दूंगी और आप घर बैठे बैठे अप्लाई करके अपना लाइसेंस जो कि आप बना सकते हो 1 घंटे के अंदर। डेस्कटॉप साइट पर आने के बाद आपको सिंपली आपको टाइप करना है परिवहन। परिवहन टाइप करने के साथ साथ देखिए, पहला फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप फ़ोन पे कर रहे हो तो आपको अपना फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। तो जैसे कि मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो इसलिए मैं जो कि अपने मोबाइल पे ही कर रहा हूँ। तो आप अपने मोबाइल पे कर रहे हो तो आपको मोबाइल को डेस्कटॉप साइड पर कर लेना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, परिवहन टाइप करके सर्च करने के बाद आपको सिंपली पहले वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है parivahan.gov.in। यहाँ पर क्लिक करने के साथ साथ आपको इस तरह ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए ये वाला पेज आपको मिल जाएगा। तो ये वाला पेज आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको देखिए ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस यहाँ पर मोर पे क्लिक कर देना है। मोर पे क्लिक करने के साथ साथ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप न्यू अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको सिंपली अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर देना है पहला वाला ऑप्शन पे। क्लिक करने के साथ साथ इस तरह कुछ आपको पेज मिल जाएगा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने का
बाद फिर से आपको इस तरह कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहला वाला जैसे टिक मार के वहाँ पर टिक करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको सिंपली इस तरह कुछ ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है जिसके पास आधार कार्ड है और उसका आधार कार्ड जो कि मोबाइल नंबर के साथ लिंक है वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पर अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ लिंक नहीं है उनको RTO ऑफिस जाना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। तो जैसे कि मैं आधार कार्ड के साथ बनाऊंगा क्योंकि मेरा आधार कार्ड जो है और वो मोबाइल नंबर के साथ लिंक है, और मोबाइल नंबर के साथ लिंक होगा तभी आप ऑनलाइन पर अप्लाई कर सकती हो। तो मैं जैसे कि सबमिट वी आधार ऑथेंटिफिकेशन पे क्लिक करके मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद आपको सिंपली इस तरह कुछ ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर, जैसे कि नीचे देखिए स्टेट असम सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं पहले जो कि स्टेट जो कि असम सेलेक्ट किया था, तो आपको सिंपली आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेनी है। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि दोस्तों आपको सबसे पहले अपने स्टेट सेलेक्ट करने में असम सेलेक्ट किया था तो इसीलिए मेरा असम दिखा रहा है, तो उसके बाद आपको आधार कार्ड इधर पे देना है। तो जैसे कि मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पर डाल देती हूँ, जैसे कि मैं आधार कार्ड यहाँ पर डाल दिया, सिंपली आपको गेट जेनरेट OTP पे पर क्लिक करना है। जनरेट OTP पर क्लिक करने के साथ साथ आपका रजिस्टर मोबाइल जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक है वहाँ पर OTP आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर OTP आ गया। तो सिंपली मैं अब यहाँ पर मेरा OTP है जो कि है मैं यहाँ पर अपना OTP डाल देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर OTP डाल रहा हूँ, आप भी अपना OTP प्रॉपरली यहाँ पर डाल देना। OTP डालने के बाद आपको सिंपली देखिए यहाँ पर टिक करना है, तीनों जगह आपको टिक कर देना है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम दिखाते हैं क्योंकि आपका OTP जो कि ऑथेंटिकेट नहीं होता। OTP डालने के बाद आपको सिंपली नीचे देखिए ऑथेंटिकेट का ऑप्शन ही यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ आपका पूरा डिटेल्स जो कि आधार कार्ड पे आपका जो भी फोटो है, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर अल्टीमेटली शो हो जाएगा, जैसे कि आप लोग आप देख रहे हो मेरा आधार कार्ड कन्फर्मेशन होने के बाद पूरा डिटेल्स आ गया। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के साथ साथ आपको इस तरह कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपका जो RTO ऑफिस है आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, जैसे कि मेरा बरपेटा है तो असम का बरपेटा है, मैं अपना RTO ऑफिस सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपका जो डिटेल्स है, आपका एड्रेस है, वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद जो भी ऑप्शन स्टार मार्क है आपको वो फिल करना चाहिए, बाकी आप नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो आपको सिंपली आपका जो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देना है, जैसे कि मैं अपना क्वालिफिकेशन दे रहा हूँ, आपका ब्लड ग्रुप आपको देना ही है, इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आप जो स्टार मार्क नहीं है आपने नहीं दोगे तो चलेगा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर फिर से यहाँ पर डालना होगा, तो जैसे कि मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर दे देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके देखिए सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सब डिस्ट्रिक्ट मेरा जो सब डिस्ट्रिक्ट मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपका बेसिक डिटेल जो कि आपका अल्टीमेटली यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सिंपली ये ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सा
व्हीकल के लिए लाइसेंस बनाना चाहते हो, तो सिंपली आपको यहाँ पर जो भी चाहोगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप टू व्हीलर के लिए करना चाहते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन देना होगा बाइक के लिए, और आप फोर व्हीलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपको लाइट व्हीकल मोटर व्हीकल LMV पे क्लिक करना है। आप दोनों कर सकते हो, तो अब तो मैं LMP ऑप्शन सिलेक्ट कर देती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करके आपको ये कंफर्म कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे आपका जो ऑप्शन है कि आप कोई भी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लिए हो तो आपको क्लिक करना है, यहाँ पर टिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पर क्लिक करने के साथ आपको इस तरह कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, आपको इस तरह जो कि फिलअप करना है सब जगह, इस सेम तरीके से आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको जो कि यहाँ पर टिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कंफर्मेशन मांगेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ साथ देखिए डिटेल सब डिक्लेरेशन जो कि आपका सबमिट हो गया, आपको सिंपली क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक करने के साथ साथ आपका जो ये ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको सिंपली देखिए अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गए तो आपका जो बॉडी का पार्ट्स होते ऑर्गन होते अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो आपको यह टिक कर देना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं कर देना चाहिए, नो कर देना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आप डिटेल दिए हो वही 100% ट्रू ये टिक करके आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फिर से ये ओके कर देना है। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन जो कि आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो एप्लीकेशन सबमिट हो गया है दोस्तों, और आपको एक मैसेज मिल जाएगा, मैसेज के थ्रू आपका एप्लीकेशन आपको एक SMS के थ्रू आपका एप्लीकेशन डिटेल जो कि यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि मेरे को मिल गया, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे को सब एप्लीकेशन डिटेल जो कि यहाँ पर मिल गया है। उसके बाद आप चाहते हो तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप PDF सेव कर ले सकती हो। जी हाँ दोस्तों, तो अपना PDF जो कि आप मोबाइल पर स्क्रीनशॉट कर लेना, नहीं तो आप जो कि PDF डाउनलोड कर लेना। सो मैं आप ये जैसे कि दोस्तों मेरा एक्नॉलेजमेंट रिसीव जो कि मैं यहाँ पर जो कि मैं PDF सेव कर लिया। उसके बाद आपको सिंपली नीचे देखिए आपको नेक्स्ट पे ऑप्शन है, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ साथ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेज लोडिंग हो रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज में आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको देखिए दोस्तों ये वाला आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो कि यहाँ पर दिखा रहा है, और पूरा डिटेल जो कि आपका ये आपको जो भी बेसिक डिटेल्स होगा यहाँ पर आप जैसे ये देख रहे हो यहाँ पर दिख रहा है। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आप किस किस के लिए जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते थे, तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देना होगा, जो कि बेसिक डिटेल्स। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, अब आपको सिग्नेचर एंड फोटो जो कि अपलोड करना है। उसके बाद आपको फी पेमेंट अपलोड करना है, और LL स्लॉट बुक ये अल्टीमेटली हो जाएगा। तो आपको सिंपली जो कि आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो मैं अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेती हूँ। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सिंपली इस तरह कुछ मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करके देखिए आपको अपलोड का ऑप्शन दिख जाएगा सिग्नेचर का। तो आप सिंपली जो कि ब्राउज पे क्लिक करके अपना जो कि सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद आपको सिंपली अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ साथ देखिए दोस्तों आपका जो कि सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया, और आपको सिंपली नीचे देखिए जो कि सेव फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके देखिए आपका जो अपलोड फोटो एंड अपलोड सिग्नेचर कंप्लीट हो गया, देखिए देखिए अपडेटेड सक्सेसफुली। आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ साथ आप नीचे स्क्रॉल करके देखिए आपका जो कि
देखिए फोटो सिग्नेचर कंप्लीट हो गया, आप एक ही स्टेप बाकी है, आपको फी पेमेंट करना है। तो फी पेमेंट के लिए आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के साथ साथ देखिए दोस्तों आपको इस तरह ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए 200 रुपये आपको जो कि 200 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए आपको सिंपली पेमेंट जो कि मेथड है आपको SBI ईपे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के साथ साथ जो भी यहाँ पर कैप्चा दिखाई देगा आपको सिंपली ध्यान से ये कैप्चा को फिल करना है, जैसे कि मैं फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सिंपली देखिए पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के साथ साथ आपको सिंपली देखिए नीचे स्क्रॉल करके देखिए आपको कॉन्फर्मेशन पे आई एग्री पर क्लिक करके आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको अल्टीमेटली पेमेंट मेथड पे हो रीडायरेक्ट कर देगा। आपको सिंपली आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो डेबिट कर सकते हो, और नहीं तो आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हो या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो मैं UPI से कर देती हूँ इधर पर यहाँ पर। तो आपको UPI ID यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको सिंपली आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना UPI ID यहाँ पर डाल दिया है, उसके बाद मैं सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। पे नाउ पे क्लिक करने के साथ साथ देखिए आपको सिंपली पेनों पर क्लिक करने के साथ साथ देखिए मैं जो UPI ID दे रहा हूँ वहाँ पर मैं पेमेंट रिक्वेस्ट आ गया। तो मैं पहले पेमेंट कंफर्म कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि देख रहे हो आप लोग, मैं पेमेंट कर दिया। मेरा पेमेंट डिटेल्स भी यहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं देखिए मेरा पेमेंट स्टेटस जो कि सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो सिंपली आपको सिंपली जो पेमेंट रिसीप है आपको ये क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको इस तरह कुछ आपको पेमेंट मेथड मिल ये जो कि आपका डिटेल्स पेमेंट मेथड यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको सिंपली ये रिसिप्ट जो कि आपको प्रिंट कर लेना है। तो मैं प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो भी कैप्चा है आपको यहाँ पर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर कैप्चा डाल देती हूँ। जैसे कि भी जो भी कैप्चा था मैं यहाँ पर डाल दिया और प्रिंट पे क्लिक कर दिया। और प्रिंट पे क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर सिंपली मैं ये प्रिंट कर लूँगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरा जो प्रिंट रिसीप है वो प्रिंट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका जो कि एप्लीकेशन जो कि फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यही आपका एप्लीकेशन का फाइनल सबमिट है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ
डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना आईडी एप्लीकेशन जो कि फाइनल सबमिट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है तो अब मैं फाइनल सबमिट कर दूंगा। यही है मेरा फाइनल सबमिट है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं फाइनल सबमिट कर दिया और मेरा एप्लीकेशन जो कि एक सेकेंड गैस, थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पर। जैसे कि मैं अब फाइनल सबमिट मारूंगा, आपको जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये है मेरा एप्लीकेशन। आप एक बार प्रीव्यू कर सकती हो और उसके बाद आपको आप सिंपली एक बार ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये टेस्ट आपको बाद में भी देख सकते हो। जैसे कि मेरा पूरा डिटेल्स कंप्लीट हो गया और मेरा करंट स्टेटस जो कि मेरा अब RTO ऑफिस पे एप्लीकेशन जो कि स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग एट RTO लेवल। तो आपको सिंपली एक बार जो आपका ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन टेस्ट मैं आपको प्रिफेयर करूँगी कि आप अभी ऑनलाइन टेस्ट ना दो, आप दो दिन प्रिपरेशन ले लो और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे आपको आंसर शीट मिल सकते हैं, क्वेश्चन मिल सकते हैं। वहाँ से पहले आप प्रिपरेशन ले के उसके बाद आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो कि एग्ज़ाम देना, तभी आप 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको क्वेश्चन पेपर एडवांस आपको कहाँ से मिलेगा, वो क्वेश्चन पेपर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप 100% पास हो जाओगे। उसके लिए आपको एक 7 मिनट का वीडियो देखना पड़ता है, मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों,